आइए आज की स्टूडियो में अपन बात करने वाले कार्बिन और नाइट्रीन क्या होता है। देखिए मैंने मध्यवर्ती बताया था, उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कार्बन धनायन, इसके बाद कार्बन ऋणायन देखा था, इसके बाद मुक्त मूलक देखा था। आज अपन देखेंगे नाइट्रीन और कार्बिन क्या होते हैं। देखिए ये कैसे होता है उसको समझिए। कार्बिन क्या होता है इसको ना, कार्बिन ऐसा होता है कि कार्बन पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अपन कहते हैं कार्बिन। तो कार्बन पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बिन कहते हैं। क्लियर। देखिए कार्बिन होते हुए बनते कैसे, तो बनते हैं समान स्वीकरण से। अगर दो परमाणु होते हैं समान स्वीकरण के द्वारा क्या होते हैं, निकल जाते हैं कार्बन से, यानी कार्बन से अलग हो जाते हैं, तो कार्बन पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा CH2, उसके ऊपर क्या है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर है CCl2, इसके ऊपर कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो इसको अपन कहते हैं कार्बिन। क्लियर। तो ये समान स्वीकरण के द्वारा बनते हैं और दो बंध टूटते हैं उससे क्या बनता है, कार्बिन बनता है। और देखिए कार्बिन होते दो समूह निकलते उसके बाद बनता है, तो यही बात है कि दो बंध टूटेंगे दो समूह निकलेंगे इससे क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। क्लियर। देखिए कैसे बनता है उसको समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू ले लिया है CH4 मेथेन ले लिया। अब इसका तापीय अपघटन करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिए। पहले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, चार। देखिए दो तो रहेंगे, अब दो होंगे वो क्या होंगे, बन टूट जाएगा उनके मध्य, तो दो हाइड्रोजन होते हुए कार्बन से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस बने कार्बन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं, कार्बिन कहते हैं। मतलब कार्बन पर अगर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बिन। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल गए। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर लेते हैं CH2N2, इसका अपन H3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ से N2 होता है वो निकल जाता है। देखिए यहाँ से N2 होता है उनके मध्य बंध टूट जाता है और N2 होता है बाहर निकलता है, एंड CH2 होता है उस पर दो क्या आ जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं कार्बिन। क्लियर समझ गए। कार्बिन होते दो टाइप के होते हैं, एक होता है एकक यानी कि सिंगलेट और एक होता है त्रिक यानी कि ट्रिपलेट होता है। देखिए सिंगलेट में क्या होगा, जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही कक्षक में रहते हैं, जिसके कारण से उनका चक्रण होता है विपरीत होता है, और विपरीत होने के कारण से इनका चुंबकीय आर्गुण जीरो होता है। अगर दोनों चक्रण विपरीत कर रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं एकक या सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। क्लियर। अगर कार्बन के ऊपर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उनका चक्रण एक ही दिशा में है, तो उसको अपन कहते हैं त्रिक। देखिए रीज़न क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग कक्षक में होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग है, उनका चक्रण कैसा, एक ही दिशा में, जिसके कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होता है। कहीं दो हो सकता है, कहीं तीन हो सकता है, एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये होता है ट्रिपलेट। क्लियर। देखिए अब अपन देखते हैं नाइट्रीन क्या होता है। नाइट्रीन भी एक कार्बिन की तरह मध्यवर्ती होता है। देखिए नाइट्रीन पर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है उस पर चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिस प्रकार से अपन ने कार्बिन पर देखा था दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से नाइट्रोजन पर अगर चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं नाइट्रीन। क्या कहते हैं, नाइट्रीन कहते हैं। क्लियर। ये भी दो टाइप का होता है, एकक यानी कि सिंगलेट और एक होता है त्रिक यानी कि ट्रिपलेट होता है। देखिए एकक जो होगा उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन होता है उस पर चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जिनका चक्रण कैसा होगा, विपरीत, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, जीरो। कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एक ही कक्षक में होंगे। देखिए यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने अगर एक दूसरा यहाँ पर कक्षक बना देता हूँ तो हो जाता है, यहाँ पर दूसरा कक्षक में बना देता हूँ तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, इसका भी चक्रण कैसा होगा, विपरीत होगा, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण जीरो होगा। क्लियर। मैंने यहाँ पर दो ही बनाए दिखाने के लिए आपको। अब यहाँ पर त्रिक में क्या होगा, अलग अलग कक्षक में होंगे चार इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण से इनका चक्रण होता है वो कैसा होगा, एक ही दिशा में होगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्लियर। देखिए अब नाइट्रीन होता है उसका निर्माण कैसा होता है समझना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एसिल एजाइड जो कि RCONH3। अब क्या होगा, ये NH3 होता है उसमें से दो नाइट्रोजन निकल जाते हैं H3 की उपस्थिति में, तो जिसके कारण से नाइट्रोजन पर क्या आ जाते हैं, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब कारण क्या है, देखिए नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बंधित होता है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से, लेकिन ये नाइट्रोजन है उस पर दो नाइट्रोजन है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बंद इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से क्या होगा, ये दो दो बंध से
बंधित होंगे दो नाइट्रोजन होंगे एक नाइट्रोजन से, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होंगे, दो दो बंध टूटेंगे तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यही बन जाता है आप उनका एसिल नाइट्रिन बन जाता है, और इस प्रकार से नाइट्रिन का निर्माण होता है। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय वंदे मातरम।